बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह के करम से सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको दुनिया की तमाम खुशियां अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हसनैन साहब सर्दी में तैयार हो के बैठे हुए हैं गाड़ी पे, बाबा के साथ बाहर जा रहा है चीज़ें लेने के लिए। अंदर बैठा बैठा बोर हो गया था। बाबा और हसनैन जा रहे हैं भाई। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बाबर हसनैन चीज़ें ले आए हैं। आज की रेसिपी में हम बनाने लगे हैं हॉट एंड सावर सूप। हॉट एंड सावर सूप बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। ग्रीन ऑनियन, कैबेज, कैरेट और कैप्सिकम, चिकन, 3 egg, कॉर्नफ्लावर, लेमन जूस, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, हॉट सॉस, सोया सॉस, विनीगर एंड वाटर। इन सब चीज़ों की मिकदार मैं आपको बता देती हूँ। 1 सब्ज़ प्याज, 1 कप बंद गोभी, 1 कप गाजर, 1 कप शिमला मिर्च, 1/2 किलो चिकन, 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 2 चम्मच नींबू, 1.5 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच ब्लैक पेपर, चिली सॉस 2 चम्मच, सोया सॉस 2 चम्मच, सिरका 2 चम्मच, पानी हमने 8 ग्लास ले लिए हैं। हमने ये सब चीज़ें तैयार कर ली हैं, अब हम बनाना शुरू करते हैं। अब हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम पानी डालेंगे। चिकन डाल देंगे। चिकन हमने मिक्स लिया है। अब हम इसमें हरी प्याज डालेंगे, नमक डालेंगे, और 15 मिनट के लिए पकाएंगे। लेमन जूस भी डाल देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, यखनी हमारी तैयार है। इसमें से हम चिकन निकाल लेंगे और चिकन के हम रेशा कर देंगे। चिकन निकाल लिए, इसको रेशा कर लेंगे और यखनी को हम छान लेंगे। चिकन के हमने रेशे कर लिए हैं। यखनी को हम छान लेंगे। यखनी को हमने छान लिया। यखनी को हम वापस पतीली में डाल देंगे। अब इसमें हम गाजर डालेंगे। बंद गोभी डालेंगे। नमक और काली मिर्च डाल देंगे। हाफ नमक हमने पहले डाल दिया था और हाफ हमने बचाया हुआ था। 5 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। अंडे की सफेदी और जर्दी हम अलग कर लेंगे। इस तरह से इसको अलग कर लेंगे। अब इसमें हम चिकन डाल देंगे। कॉर्नफ्लावर को हम पानी डाल के मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम कॉर्नफ्लावर डाल देंगे।
आस्ता आस्ता डालेंगे। साथ साथ हम चमचा हिलाते जाएंगे। आपको जितना गाढ़ा चाहिए आप उतना गाढ़ा कर सकते हैं इसको। सूप हमारा गाढ़ा हो गया, अब हम इसमें सिरका डालेंगे। अब हम इसमें सोया सॉस डालेंगे। अब हम इसमें हॉट सॉस डालेंगे। अब हम शिमला मिर्च डाल देंगे। शिमला मिर्च हमने एंड पर इसलिए डाली है क्योंकि ये जल्दी पक जाती है। अब हम 3 अंडों की सफेदी डाल देंगे। खुशबू मछली बहुत प्यारी आ रही है। सूप हमारा रेडी है, अब हम इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। सूप हमने डिश आउट कर लिया है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सूप के साथ हमने चिली सॉस, सोया सॉस, सिरके में सब्ज़ मिर्च डाल के रखी है सॉसेस की तौर। ये हमारी एक बहन ने हमें फरमाइश की थी सूप की, ये उसकी फरमाइश पे हमने बनाया है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। और हमें दुआओं में याद रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।